ओम श्री परमात्मने नमः। भागवत वाणी को स्वागत दर्शक बंधु, आज आसंतु आमे श्रवण करिबा आउ आलोचना करिबा श्रीमद भागवतर प्रथम स्कंद अंतर्गत प्रथम अध्यायर 96 रु 106 पर्यंत पदावली गुडी को। ए भयंकर काली काली आंधे जे अछु भव जळे ए जळु तुम्हे कर पार बोइते जेने कर्णधार जे हरि ब्रह्मांड बच्छळ सर्वदेवंक आदि मूल धर्म कवच जारंगे सुखे बिहरे नाना रंगे कलिया गमे भगवान गमिले अपना भुवन जे धर्म संसार रखिब से कहीं शरण पशिब एक कथा कह मुनिवर आंभ संशय जाऊ दूर हेमंते नयनी सवने सर्वमुनि सनिधने सौनक आदि मुनि गणे जे प्रश्न कले जणे जणे निर्मल विष्णुर चरित कृष्ण विषय भागवत सुजन जनकर हिते कहई दास जगन्नाथे। ई पदावली भितरे जेऊं कथा आलोचित होइछंती आज कृत्य कृत्य होउछंती 88,000 मुनिमानंक सहित श्रोता सौनक मुनि वक्ता श्रील सुतंक निकटरे परम प्रेममयी परम रसमयी भागवती कथा चालिछंती। आपण माने मध्य भागवती कथार गंगारे प्रतिनित्य अवगाहन करुछंती। मुनि माने कहुछंती हे महातपा आपण को आगरे ये कलीर प्रवाह प्रवाहित हो चली कली को एक महासमुद्र भावरे एठी उपस्थापन करा जाइछंती। ए महासमुद्र रे श्रीमती भागवती कथा बोईत भावरे रूपाहित होइछंती आउ ए बोईतर कर्णधार भावरे श्रील सुत मुनि को दिया जाइछि। मुनि माने सौनकादि सहित जो 88,000 मुनि अछंती से माने समस्ते ए बोईतरे जणे जणे यात्री मात्र। भागवती कथा जे ए यात्री माननकु आरोपारी को नहीं जीव जीवर चरम आ परम अभीष्ट भगवत चरणाम्बुजरे स्थान प्रदान करिव एहा ही लक्ष्य। ए लक्ष्य को भित्ति करी जो षट प्रश्न पचरा जाउथिला ता भितरु पंचम प्रश्न आउ षट प्रश्नर अवतारणा घटिछंती। पंचम प्रश्न हिसाबरे मुनि माने पचारुछंती श्रील सुत महामुनि को हे महामुनि आपण कहिबा हुअंतु भगवान कलिजुगर आगमनरे निजर लीला को सारी स्वधाम को किपरि प्रत्यावर्तन कले से संपर्करे आपण विशद भावरे आंभ मानंकु कहंतु। बहुत जिज्ञासा एथिपाई आम मानंक मन भितरे षष्ठ प्रश्न हिसाबरे मुनि माने पचारुछंती श्रील सुत महामुनि को हे मुनि कहिबा हुअंतु जेऊं धर्म ए संसार को रक्षा करे भगवानंकर लीलार परिसमाप्ति घोषणा हो सारिबा परे भगवान स्वधाम को बाहुड़ी जीवा परे ए धर्म कहार शरण पशिब धर्म केउठी रहिब ए प्रश्न आंदोलित हेउची 88,000 मुनि मानंक मन भितरे परम पावन क्षेत्र नैमिष्यारण्य रे कृत्य कृत्य हेउछंती श्रील सुत मुनि कृत्य कृत्य होउछंती 88,000 मुनि सौनकादि सहित एवं भागवती कथा मध्य चालिछंती। एभली प्रसंग भितरे प्रथम स्कंदर प्रथम अध्यायर परिसमाप्ति घटिछि। भागवती कथारे आमे अवगाहन करिबा जीवन को सार्थक करिबा ए आशाटिक रखी आज आसंतु आमे कथा को विराम दबा। जय जगन्नाथ।